महमूद भाई से मैंने 20 रुपए ले चुका हूँ, मैं देख सकते हो गाइस। गाइस महमूद भाई से मैंने 20 रुपए ले लिए और महमूद भाई बोल रहा है मुझे कि 20 रुपए वापस दो। गाइस देख सकते हो फुल पावर है यहाँ पर, अपने आदिल भाई है साथ में। गाइस ये लो भाई, ये लो गाइस 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 20 रुपए लो। गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब फरदीन खान व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता है आपका भाई आप सब ठीक ठाक से होंगे। एंड आज यहां पर देखो बैठी हुई है छोटी पब्लिक एंड घर से चलो मैं चलते हैं यार, मतलब ये चलते हैं रोज़ा, मतलब अपना थोड़ा रोज़ा का टाइम भी यहाँ पर निकल जाएगा। एंड और ऊपर गया हुआ था मैं, कहीं काम था, सो अभी आपका भाई यहाँ पर रुका हुआ है। सो आज मिलाते हैं आपको पिंकी भाई के साथ, दिखाते हैं आपका पिंकी भाई का क्या रिएक्शन रहता है। एंड फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर सब फ्रेंड रहे, सो मिलते हैं हम आपको बाद में। महमूद भाई रहे यहाँ पर अपने, महमूद भाई को लड़के तंग कर रहे सो अभी आए थोड़ी देर के बाद, बहुत दिनों के बाद महमूद भाई से मिले। एंड फाइनली ये रहा महमूद भाई और देख सकते हो फुल पावर। एंड पिंकी भाई पकौड़ा खाएगा यहाँ पर, आज लड़के से तंग कर रहे बोल रहे गाइस। महमूद भाई अपना, महमूद भाई अपना, महमूद भाई गाइस वो उधर उधर क्या बोल रहे, उधर उधर महमूद भाई देख सकते हो गाइस फुल पावर। गाल दे रहा यार मुझे, गाल दे रहा, गल दे रहा मुझे यार। क्या बोलो भाई महमूद खान, देखो भाई महमूद खान का रिएक्शन देखो यार। भाई गाली मत दे भाई, भाई गाली मत दे यार, भाई गाली मत दे। हेलो भाई महमूद भाई गाली मत दे, ठीक है ना, गाली मत दे यार। तो गाइस आपने देखा होगा कि अपने महमूद भाई का रिएक्शन क्या है, कि मतलब पीछे वाली वीडियो में जो आपने शूट किया है मेरा व्लॉग, तो वो बता रहा है यहाँ पर कसम करके बता रहा है कि मतलब बहुत मुश्किल होगा क्योंकि घर वाले, घर से बहुत बेइज्जती पड़ी है। एंड महमूद भाई का रिएक्शन बोलने का मतलब यही है कि मतलब वीडियो मत शूट करो यार, क्योंकि घर वालों ने बेइज्जती की हुई है। एंड फाइनली यहाँ पर दुकान पर रुका हुआ, थोड़ी देर के बाद रोज़ा, मतलब रोज़े का भी टाइम होने वाला है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका भाई मतलब सामान लेगा यहाँ से, फिर घर जाएगा सामान लेके। एंड फाइनली अभी यहाँ पर रुका हुआ अपने भाई की दुकान है। एंड फाइनली इधर रहा अपना, चेक करो गाइस पीछे देखो, नहीं महमूद भाई के साथ बहुत सारे बंदे रुके हुए हैं, आपका फदील भाई भी यहाँ पर है। टेंशन मत लो, फुल पावर रोजा से चीजें, फुल पावर देखो यहाँ पर महमूद भाई यहाँ पर रुका हुआ है, फुल पावर दे सकते हो गाइस। एंड अच्छी वीडियो के साथ दे सकते हो फुल पावर यहाँ पर अपना महमूद रुका हुआ है। महमूद भाई से मैंने 20 रुपए ले चुका हूँ, मैं देख सकते हो गाइस। गाइस महमूद भाई से मैंने 20 रुपए ले लिए और महमूद भाई बोल रहा है मुझे कि 20 रुपए वापस दो। गाइस देख सकते हो फुल पावर है यहाँ पर, अपने आदिल भाई रहे साथ में। गाइस ये लो भाई, ये लो गाइस 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 20 रुपए लो। हे गाइस अभी असर की नमाज़ पढ़ के, सो मैंने आपको कहा था कि असर की नमाज़ के टाइम हम घर जाएंगे। एंड फाइनली मस्जिद से आया असर की नमाज़ पढ़ के, रास्ते में 2-3 बंदे मिल गए, बोल रहे थे और क्या कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं, मैंने कहा नमाज़ पढ़ने पढ़ रहे थे और मुझे पूछ रहे रोज़ा है आपको, मैंने कहा रोज़ा क्यों नहीं यार, अगर एक साल में एक महीना आता है रमज़ान का तो बंदे को वो भी रखे तो फिर क्या फ़ायदा इंसानियत का। सो ये रहा सामान वगैरह, ठीक है रमज़ान मतलब रोज़ा खोलने के लिए। एंड फाइनली अभी जा रहा है आपका भाई घर, पहुंच चुका हूं और 2 दिन के बाद आपके भाई का भी मतलब खुलने वाला है मकान का काम। सो मिलते हैं हम आपको अब थोड़ी देर के बाद, अपने ऊपर रोटी बना रहे हैं, मक्की की रोटी बना रहे हैं यार तंदूर के साथ। सो मिलेंगे हम आपको आगे। A few moments later. गाइस देख सकते हो मतलब आज 2 दिन के बाद, मतलब आज आपको पता है 3rd रमज़ान है, तो ये रही मक्की की रोटी आपको देख सकते हो बीच में। तो बारिश की वजह से हमने 2 दिन जो ये तंदूर है ये हमने नहीं मतलब जलाया, तो आज कहा चलो ऐसे मूड बन गया, तो देख सकते हो मतलब रोटियाँ, देखो यार रोटियाँ आपको बीच में दिख रही है, देखो कितने अच्छे से लगी हैं। देखो भाई एक तो पक गई है मुझे लगता है, ये मक्की की रोटी रही और आज 3rd रमज़ान है, तो 3rd रमज़ान पर आज हमने कहा चलो यार मक्की की रोटी बनाते हैं। एंड फाइनली देख सकते हो मतलब ये रमज़ान में कुछ इस तरह से गुजारा होता है, आप देख सकते हो देखो। एंड अभी पेंडिंग में भी हैं 2-3 देख सकते हो गाइस। एंड देखो बीच में देखो पकती जा रही है, रेड होती जा रही है आराम आराम से। एंड चलो मिलते हैं हम, देखो भाई आंटी तो बीच में तंदूर को देख सकते हो फुल पावर, आग को इधर उधर कर रही है, थोड़ी थोड़ी आग चल रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। चलो मिलते हैं हम आपको अब बाद में। गाइस देख सकते हो मतलब पीछे का व्यू देख लो भाई, अभी फुल पावर, अभी थोड़ा इवनिंग टाइम है। एंड देख सकते हो गाइस ये रहा अपनी मतलब बस्ती है यार, छोटी सी देख सकते हो। और गाइस देखो उधर का भी देखो बेटर, ये रमज़ान के मतलब रमज़ान का मतलब आज 3rd रोज़ा है, तो आज ही तंदूर जलाया है क्योंकि बहुत दिनों के बाद, अभी थोड़ी देर के बाद मतलब और भी आएंगी, अभी बहुत सारी रोटी यार बनाने को। देखो व्यू देख लो बाहर का, क्योंकि बारिश की वजह से तंदूर जो था वो गीला हो गया था और उसको सूखने में 1 दिन लग गया, लगभग 1 से 2 दिन लग गए, और अभी तो वो बिल्कुल मतलब सूख चुका है। आज ही हमने मतलब इसको तैयार किया है, ठीक है आग जलाई बीच में और रोटियाँ बनाई, फिर रोटियाँ आपको दिखाई भी पीछे वाली वीडियो में कि मतलब ये रोटी बनी। चलो फिर देख सकते हो आप मतलब कि मतलब रोटी कैसे बनती है, तो आज 3rd रमज़ान है, तो 3rd रमज़ान में आज हमने रोटी बनाई
तो कितने अच्छे से तंदूर की रोटी आपने देखी होगी, कितनी किस में तो कितनी डेकोरेशन के अंदर है आपने देखी होगी, मिलते हैं हम आपको आगे। तो गाइस देखा होगा आपने फरदीन भाई के व्लॉग में, मतलब कि देखो मतलब तंदूर हमारे यहाँ पर गुजारा कैसे होता है, मतलब रोटियों का। आपको पता है रमज़ान में तो चावल खाने नहीं होते, क्योंकि चावल खाना भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार चावल खाने से मतलब बंदा मोटा होता है। एंड फाइनली देखो यार रोज़ा लग चुका है मुझे, आइज़ में देखो यार कितना क्या हो रहा है, देखो ब्लैक हो गया इस जगह, ये भी जगह ब्लैक हो गई है। और वहाँ से एक बंदा कभी देख रहा है भाई, कभी अंदर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, कभी अंदर आ रहा है उस जगह से। एंड देखो यार पीछे देखो, पीछे देखो फुल पावर, इतने बंदे रुके हुए हैं क्योंकि अभी मतलब रोटी वगैरह बना रहे हैं। देखो गाइस देखो ये रही रोटी तंदूर की, और देखो पक चुकी है कितने अच्छे से यार। देखो यार देखो ये ऊपर से आपको वाइट वाइट दिख रही है कच्ची, लेकिन ये कच्ची नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल पक चुकी है, देख सकते हो आप फुल पावर। सो देखा मतलब आपने कि मतलब इस व्लॉग में आपने यही देखा कि कैसे रोटी बनती है मक्की की और कैसे गुजारा हो रहा है। तो आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, चलो जो भी अपने भाई से होगा, आपके भाई से होगा तो आपका भाई करेगा, बस आपके मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करो फुल पावर। सो मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ, पीछे का भी देख लो, अभी मौसम भी अच्छा है और रोज़े का वक्त भी होने वाला है, इसलिए तो रोटी डाली हुई है। सो चलो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, सो मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, बाय।